आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना बताता हूँ। कल क्या हुआ, मेरे घर की लाइट चली गई। मतलब वो जो मेन कटआउट होता है ना, उसके जो दो पोल के वायर कनेक्टेड होते हैं वो फ्यूज़ हो गए। सम टाइम क्या होता है कि ओवर हीटिंग की वजह से वो बर्न आउट हो जाते हैं, और उनकी भी एक लाइफ होती है कि कब तक चलेंगे। मैंने मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक को आके कितना टाइम लगेगा, एक मिनट लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसने जोड़ दिया, वायर निकाला और कनेक्ट कर दिया। अब ये सारी एक्टिविटी मेरा एक भतीजा देख रहा था, 7 से 8 साल उसकी उम्र होगी। और जब वो चले गए तो मुझसे कह रहा है कि क्या अंकल, घर की लाइट भी नहीं बना सकते, फिर क्या फ़ायदा है आपके इंजीनियर होने का, क्या फ़ायदा है आपके इंजीनियरिंग करने का। मैं भाई एकदम शॉक्ड कि अब तक इंजीनियरिंग के नाम पे घर के बड़े बेइज्जती करते थे, अब इंजीनियरिंग के नाम पे घर के बच्चे भी बेइज्जती करने लगे हैं। मैं सरकार से सख्त डिमांड करता हूँ कि ये जो आप वर्कशॉप फर्स्ट ईयर में खेलते हो, इसको बंद करो। हमारे लाइफ में उसका कोई भी यूज़ नहीं, इवन हम घर में उससे इज्जत भी नहीं बचा पाते हैं। तो कम से कम फर्स्ट ईयर में आप हमें जो होम अप्लायंसेज है ना, वो सिखा दो कि घर का आयरन ख़राब हो तो कैसे बनाएं, बोर्ड ख़राब हो तो कैसे बनाएं, फ्रिज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, एसी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, आयरन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया, कूलर में आया, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे बनाएं, हमको ये सिखा दो कि भैया बाहर हम कैसे भी रहें बट घर में तो इज्जत बचा के रह पाएं अपनी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंस ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें।